नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, MY हॉस्पिटल में अपनी मैं सेवाएं दे रहा हूं। आजकल हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की उम्र कम है उन लोगों को भी हार्ट अटैक देखने को मिलता है। इस तरह के हम महीने में 2 से 3 मरीज जरूर देख लेते हैं जिनकी उम्र 20 से 30 या 30 से 40 के बीच में है। इस विषय पर मैं कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब मरीज को सीने में दर्द होता है जिनकी उम्र विशेष रूप से कम होती है, तो ऐसे मरीज अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ, हमें तो हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है, ये तो शायद मोस्टली एसिडिटी की वजह से होगा, और वो उसको इग्नोर कर देते हैं और 1 से 2 दिन तक लगभग 1 से 2 दिन तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। जब उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो जाके किसी ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जब उनका इन्वेस्टिगेट होते हैं तो पता लगता है कि हार्ट अटैक आ चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी हार्ट अटैक मरीज को होता है तो उसका एक विशेष पीरियड होता है, जिस पीरियड में अगर उसको इलाज मिल जाए तो जो हार्ट की मांसपेशी है उसको जितना नुकसान कम से कम हो हम उसको बचा सकते हैं नुकसान होने से। तो ये एक वो पीरियड होता है जो हम अक्सर देखने को मिलते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि वो मिस हो जाता है। पेशेंट हमेशा हमारे पास लेट प्रेजेंटेशन के साथ आता है क्योंकि लोगों में इस विषय के संबंध में जागरूकता नहीं है। अक्सर ये सोचा जाता है कि हार्ट की जो बीमारियां है, जो हार्ट का अटैक है, वो जिनकी उम्र ज्यादा है उन्हीं को देखने को मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता जा रहा है, जल्दी से लोगों को डायबिटीज हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, या फिर किसी तरह की परिवार में ही अगर माता पिता को या अनुवांशिक रूप से इस तरह की हार्ट की बीमारियां हैं, तो उस टाइप के मरीजों में ऐसा देखने को मिला है कि उनको 40 से कम उम्र से पहले ही हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। जब किसी मरीज को हार्ट अटैक का दर्द होता है तो उसको सामने सीने में या मध्य एरिया में आपको सीने में उसको भारीपन लगना, कई बार जो दर्द है वो पीछे की तरफ जाना या उल्टे हाथ की तरफ दर्द का रेफर्ड होना, पेन होना, और या फिर सीधे हाथ की तरफ भी कभी कभी पेन होना, पसीना आना, और ऐसा दर्द जो आपकी आम दवाइयां जो हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं उनसे ठीक ना हो, मरीज को दर्द लंबे समय तक 1-2 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक बने रहे, तो फिर हमें इस तरह के अगर पेन अगर हो रहा है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए। इसमें एक बेसिक सबसे जो प्राथमिक जांच है वो है ECG, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ये लगभग हर सभी जगह, सभी अस्पतालों में, छोटे छोटे सेंटर्स में सभी जगह अवेलेबल रहता है। ECG के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि आपके हार्ट में या ECG की में किसी तरह के कोई बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। अगर ECG में किसी तरह के बदलाव आ रहे हैं तो हम तुरंत आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेट करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि कहीं आपको किसी तरह का हार्ट अटैक तो नहीं आया है। अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो आपको तुरंत इलाज मुहैया हो सकता है उस अस्पताल में। तो कुछ मोटी मोटी लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस तरह का दर्द हो रहा है। अगर किसी मरीज को एसिडिटी हो रही है तो जनरली हमें पेट के जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे जलन जैसा लगता है, कई बार हमें खट्टी डकारें भी आती हैं, और जो जलन जो हमें पेट के ऊपरी हिस्से में लग रही है वो ऊपर तक चढ़ती हुई जाती है। अगर हम लेटते हैं तो हमें इस तरह की जो खट्टी डकारें हैं वो बढ़ जाती हैं, और इस तरह की जो तकलीफ होती है, अगर हम कोई भी एसिडिटी वाली जो दवाइयाँ अगर लेते हैं तो मरीज को इसमें तुरंत राहत मिलती है, चाहे वो घरेलू नुस्खा हो या कोई इनो हो या फिर मार्केट में कॉमनली पेंटोसिट की दवाई मिलती है। लेकिन हार्ट के दर्द के साथ ऐसा नहीं है। हार्ट का दर्द जब भी होता है आपको तो मोस्टली आपको सीने में एक भारीपन जैसा लगता है, कई बार कुछ मरीजों को जलन जैसा भी लगता है, और ये जलन जो है या भारीपन जो है वो आपको पीछे की तरफ भी जाता है हार्ट में, कई बार कुछ केसों में ये उल्टे हाथ की तरफ भी रेडिएट होता है पेन, और कभी कभी ये सीधे हाथ की तरफ भी रेडिएट होता है। कुछ अटैक इस टाइप के भी होते हैं जिसमें हमें जो हार्ट में या जो दर्द है वो हार्ट के निचले हिस्से में या हम कह सकते हैं कि पेट के ऊपरी भाग में भी दर्द चला जाता है। लेकिन ये दर्द जो होता है आपको वो कभी भी एसिडिटी की दवाएं लेने या इस तरह की इनो वगैरह लेने से इसमें कोई राहत नहीं मिलती मरीज को। मरीज को दर्द, इस तरह के हार्ट के जो दर्द रहते हैं उसमें कई बार बहुत ज़्यादा पसीना आता है और दर्द 1 से 2 घंटे तक बना रहता है। इस तरह के अगर मरीज को तकलीफ हो रही है तब आपको उसको एसिडिटी समझ के कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट अटैक है और आपको इस तरह की तकलीफ हो रही है और आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो इग्नोर करने से ये तकलीफ आपको जानलेवा तक भी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा
जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो रही है और आपको लग रहा है कि आपने घरेलू नुस्खे या सामान्य दवाइयां ले ली उससे आपको राहत नहीं मिल रही है, तो जो सबसे पहला काम करना है हमें वो एक हमें अपने आसपास के जहां भी अस्पताल है वहां पे एक ECG लेना है, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसके माध्यम से हम हार्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या कोई अटैक तो नहीं आया, या अटैक के चेंजेस आने शुरुआती चरण में अगर कोई चेंजेस हैं तो हम उसे पकड़ सकते हैं। जब भी हम हार्ट का अटैक आता है उसका इलाज करते हैं तो एक निश्चित समय रहता है। शुरुआती समय में अगर आप आते हैं और आपको इलाज मिल जाता है तो आपका जो हार्ट की मांसपेशियां होती हैं उसको हम डैमेज करने से बचा सकते हैं, जितना नुकसान आपको होना है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने कितनी जल्दी जाँच कराई, कितनी जल्दी आपने बीमारी को पकड़ा, ये आपके लिए आपके हार्ट के लिए लाभदायक हो सकता है। अंत में मैं अपने श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको इस तरह की तकलीफ होती है और आपको सामान्य मेडिसिन जैसे एंटासिड लेने के बाद अगर आराम मिलता है तो इस बात की संभावना काफ़ी है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आपको सामान्य दवाइयाँ लेने के बाद भी तकलीफ बढ़ी हुई है या बनी हुई है, जिसमें आपको सीने में भारीपन लग रहा है, पसीना आ रहा है, दोनों हाथों में दर्द बना हुआ है या दर्द आपको पीछे की तरफ भी जा रहा है, तो ऐसी तकलीफ अगर हो रही है तो कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अपने नज़दीकी सेंटर्स पे जाके एक ECG कराएं, आगे अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लें। ऐसा करने से अगर आप शुरुआती चरण में इसकी जांच कर लेते हैं तो आप एक लंबे खतरे से या आपको बड़ी बीमारी होने से या आपको अस्पताल में भर्ती होने से भी बच सकते हैं। डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है कि आने वाली जो आपको भविष्य में बीमारी आ सकती है उसको आप कैसे तरीके से रोक सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं बस आपको ये कहूँगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने हार्ट का ध्यान रखिए।